नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों बात करते हैं एडवेंचर ग्रोथ शेयर के बारे में, ठीक है। क्या स्टॉक पे करना चाहिए, क्वेश्चन आते रहते हैं आप सभी के। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ आपके सामने 92% का CAGR दे रहा लास्ट 5 सालों में। तो देखो अगर आप स्टॉक को लॉन्ग टर्म के पर्पज से बाय कर रहे हैं तो विच इज गुड, ठीक है, आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हो। शॉर्ट टर्म गेन के लिए अभी मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रही है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा अगर आप चाहो तो स्टॉक को लॉन्ग टर्म के गेन के लिए ही सोचना, शॉर्ट टर्म गेन के लिए मत सोचना, ठीक है। मैं आपको 100 टाइम्स बोल चुका हूँ ये स्टॉक अच्छा है फॉर द लॉन्ग टर्म। अगर स्टॉक आपको यहाँ मिलता है, देखो पहले ही बोला था अभी बोल रहा हूँ 2.37 मिलता है तो बाय करो क्योंकि स्टॉक का बुक वैल्यू है। तो ये यहाँ पर अगर आपको मिलता है तो ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, ये अच्छा प्राइस रहेगा। बाकी स्टॉक अच्छा लगता है, ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ देखो, प्रॉफिटेबल बिजनेस में है, ठीक है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट गेन आपको करके दे रहा है। श्योरिटी पैटर्न ठीक ठाक है 26%, एंड पब्लिक में कुछ हिडन प्रमोटर्स की होल्डिंग हमें देखने को मिलती है विच इज अराउंड, आप खुद देख सकते हो है कुछ अच्छा खासा प्रमोटर्स होल्डिंग है, हिडन जो होता है ना हिडन, तो वो भी अच्छा खासा है स्टॉक, तो मुझे अच्छा लगता है स्टॉक, ठीक है। मेरे पास कुछ शेयर्स है, ठीक है, मेरे पास नहीं है मतलब मेरे कुछ भाइयों के अकाउंट में पड़ा है, कुछ बड़ी क्वांटिटी नहीं, छोटी मोटी क्वांटिटी है जो अपना रिस्क मैनेजमेंट होता है उसके हिसाब से, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक NSE का स्टॉक है, अच्छा खासा वॉल्यूम स्टॉक पर जनरेट हो जाता है, देखो 15 लाख से लोग आज भी लेके गए। तो यही है मेरा व्यू स्टॉक के बारे में कि अगर आपके पास स्टॉक है तो होल्ड करो, अगर आप नीचे एवरेज करना चाहते हो तो एवरेज कर सकती हो। मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट स्टॉक का क्या बोल रहा है एक बार, ठीक है। तो देखो यहाँ पर स्टॉक लगातार बॉक्स में ट्रेड करा आपको दिख रहा होगा, ठीक है, 2.90 रुपए। अब थोड़ा ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कुछ पैटर्न, ठीक है। पैटर्न क्या देखो, एक तो ये है मल्टी ईयर सपोर्ट एरिया, तो नंबर वन स्टॉक का बाय करने का रीजन हो गया मल्टी ईयर सपोर्ट एरिया। दूसरा स्टॉक का बुक वैल्यू क्या था 2.35 रुपए, तो अगर वहां मिलता है तो बाय करो। देखो कितनी बार ये 2.35 रुपए सपोर्ट के ऊपर भागा है, एक टाइम देखो यहाँ से भागा ऑलमोस्ट 6 रुपए तक गया, दोबारा देखो 2.36 में सपोर्ट लिया, 3.90 तक गया, तो समझो बात को 2.35 रुपए कितना सपोर्ट, अच्छा सपोर्ट एरिया है स्टॉक का। तो यहाँ अगर मिलता है तो बाय करो, डेफिनेटली एक बाय बनता है 2.35 में, ठीक है। 2.35 में अगर आप बाय करते हो, मन पे क्वेश्चन आता है कि स्टॉप लॉस क्या लगाऊं, तो मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लो, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस मत प्ले करना स्टॉक में, 1.90 रुपए का। अगर 2.35 में बाय करते हो तो 1.90 रुपए का स्टॉप लॉस आप लोग लगा सकते हो स्टॉक में, ठीक है। तो 1.90 रुपए का स्टॉप लॉस लगाओ, 2.35 में एंट्री करो, और एटलीस्ट मुझे लगता है स्टॉक आपको 4.25 तक के और डबल तक के भी टारगेट दिखा सकता है, और यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि स्टॉक 5 रुपए तक भी जा सकता है, ठीक है। समझ आ गया क्या करना है, तो ज्यादा बड़ा वीडियो मैं नहीं खींचूंगा, जो मैंने आपको बताइए व्यू उसी को फॉलो करो। और देखो लास्ट ऑलमोस्ट 10 ईयर स्टॉक का प्राइस कहाँ ट्रेड करता, एक बॉक्स में ट्रेड कर रहा था, देखो इस बॉक्स में ही ट्रेड कर रहा था, और आज इसने वो ब्रेकआउट कर दिया है प्राइस, अब ये प्राइस सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। थोड़ा यहाँ लंबे समय तक स्टॉक रुक सकता है, रुकने दो, जितना लंबे समय रुकेगा उतना बड़ा ये प्रॉफिट हमें फ्यूचर में कमा के देगा, ठीक है भाई। तो समाप्त करता हूँ वीडियो को, छोटा वीडियो बनाया, आशा करता हूँ शॉर्ट वीडियो आपको अच्छे लगते होंगे। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में।